क्या आपको पता है जो तीन पत्ती का गेम होता है उसमें जो हर राजा होता है यानी कि स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, जो इनके राजा होते हैं किंग, वो रियल टाइम में हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। और क्या आपको पता है जो घोड़े का एक स्टैचू बनाया हुआ स्टैचू होता है एक वॉरियर के साथ, एक योद्धा के साथ, उसमें अगर उसके पैर ऊपर होते हैं तो उसका क्या मतलब, घोड़े के पैर हवा में होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर उसके पैर ऐसे नॉर्मल होते हैं उस स्टैचू के, उसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। और क्या आप जानते हो जो एक हनी बी होती है वो एक टेबलस्पून हनी को कलेक्ट करने के लिए 4000 फ्लावर्स यानी कि 4000 फ्लावर्स विजिट करती है, या फिर ये कि हम पूरे साल में अप्रॉक्स 500 केजी फूड खाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो आज की इस वीडियो में आप मज़ेदार फैक्ट्स को जानने वाले हो जो कि है अनबिलीवेबल फैक्ट्स सीरीज। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है मॉस्किटोज यानी कि मच्छर लोगों के खून चूस चूस कर लोगों को ज़्यादा मारते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्स। फैक्ट नंबर 16, आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि जो मरा हुआ इंसान होता है यानी कि डेड पीपल, उसको भी गूज़बम्स आते हैं, मतलब कि उसके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, ये आपको शायद नहीं पता होगा कि आप अर्थ में 80 केजी के हो तो आप मार्स में, हमारे साथी प्लेनेट मार्स में 30 किलो के माने जाओगे उनकी उसकी ग्रेविटी की वजह से। है ना फैंटास्टिक, इजंट इट। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि हम सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? हम सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पूरे रात, हम जब रात में सोते हैं और जब हम रात में उठते हैं तो उस इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में हम कुछ भी नहीं खाते। तो जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद हम जो भी कुछ खाना खाते हैं तो हम एक टाइप के फास्ट को तोड़ते हैं, इसलिए हम सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। गजब फैक्ट है, इजंट इट। फैक्ट नंबर 13, हम एक पूरे साल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500 केजी फूड खा लेते हैं, रियली। फैक्ट नंबर 12, क्या आप इस फोटो में और इस फोटो में डिफरेंस बता सकते हो? आपके पास बस 11 सेकेंड्स हैं। अगर आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, पर मैं इसका खुलासा थोड़ी देर बाद कर दूंगा। फैक्ट नंबर 11, ये तो आपको पता ही होगा कि एक ब्लू व्हेल सबसे बड़ी एनिमल होती है, पर क्या आपको ये पता है कि हिप्पोपोटामस सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है ब्लू व्हेल का ऑन लैंड, हिप्पोपोटामस। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है चाइनीज से रिलेटेड कौन कौन से ऐप है? इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि चाइना के कौन से ऐप है जो चाइना से रिलेटेड है। इस लिस्ट में आप जैसा देख सकते हो टिकटॉक, जूम, वॉल्ट हाइल्ड, वीगो वीडिया, वीगो लाइव, वीवो, वी चैट, शेयर इट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, एग्जेंड, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइकी, कवाई, रूम वी, शेन, कैशे, क्लियर, डी यू ऐप स्टूडियो, बेडू ट्रांसलेट, बेडू मैप, वंडर कैमरा, ई एस फाइल एक्सप्लोजर, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू लॉन्चर, सीक्रेट सेंटर, प्लेयर, म्यूजिक मेल, न्यूज फिड, वी साइन, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, एम आई वीडियो कॉल, शाओमी, पार्ले स्पेस, न्यूज डॉक, फोटो वंडर, ए पी, एपेक्स ब्राउजर, वीवो, वीवा वीडियो और बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करने, क्योंकि चाइना के, हमें चाइना की हर चीज़ को बॉयकॉट करना है। तो मेरी राय यह है कि आप इन ऐप्स को बिल्कुल यूज़ मत करो, सीधा अपने फ़ोन से डिलीट करके बाहर फेंक डालो। फैक्ट नंबर 9, क्या आप ये जानते हो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट
एक रुपये के कॉइन को बनाने में 1.11 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है, मतलब 1.11 रुपीज़ यूज़ करती है जस्ट एक रुपये के कॉइन को बनाने में। फैक्ट नंबर 8, एक हनीबी 4000 फ्लावर्स को विजिट करती है जस्ट हमारे लिए एक टेबलस्पून हनी के लिए। हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके डिफरेंस वाला, तो मैं उसके अब आंसर्स बता देता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई और आंसर पता चल गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो डिफरेंस कुछ इस तरीके है कि जो ढोल बुलू है इन दोनों के कपड़े बिल्कुल ऊपर और नीचे से चेंज हो गए हैं। और दूसरा डिफरेंस ये कि जो राजू है उस जो अपने गले में लॉकेट पहनता है वो भी नहीं है मिसिंग, मतलब अब पहले मिसिंग था पर अब उसने पहन लिया है। और चुटकी के हाथ का कुछ मिसिंग है और हमारे जग्गू बंदर की पूछ। तो ये 5 डिफरेंस थे। अगर आपको इस कोई एक और ज़्यादा डिफरेंस पता चल गया तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो स्टोन्स को ईजिली निगल सकते हैं, और जो वो स्टोन्स निगलते हैं इससे उनको मतलब कि जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें डाइव वो ईजिली कर सकते हैं और स्टोन्स उनको ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है हमारी नेक में 7 बोन्स होती है जिन्हें हम कर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं। पर फैक्ट ये है कि हमारी ही तरह जिराफ के नेक में भी 7 नेक वर्टिब्रे होते हैं और ये सब 10-10 इंच बड़े होते हैं, यानी कि 25.4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फैक्ट नंबर 5, कैंगरू का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आप ये जानते हो कि कैंगरू इजली बहुत अच्छे से पानी में स्विम कर सकते हैं। एक्चुअली दे आर गुड स्विमर्स। फैक्ट नंबर 4, हांगकांग में एक ऐसा रूल है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से चीटिंग करता है, उसे धोखा देता है, तो उसकी वाइफ अगर वो चाहे तो उसको मार भी सकती है, लेकिन बेर हाथों से। फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि अगर एक फ्रेंडशिप 7 सालों से ज़्यादा चलती है तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये फ्रेंडशिप फॉरएवर चलेगी आपकी होल जिंदगी में बिना टूटे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ताश के पत्तों में यानी कि 3 पत्ती में जो हर किंग होता है, चाहे वो डायमंड्स हो, क्लब्स हो, स्पेड हो और हार्ट हो, इन सब के किंग्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे हिस्ट्री में। डायमंड्स में एक रोमन किंग है जिसको जूलियस कैसर कहते हैं, जो कि एक रोमन का एक टाइम पे राजा था। हार्ट में एक फ्रैंक किंग है जिसका नाम है चार्ली मैगनिंग। और क्लब्स में मेरे फेवरेट मैसिडोनियो के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। और स्पेड में इसराइल के राजा किंग डेविड हैं। अब इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पर हम बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, पर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और अगर आपके पास कोई फैक्ट है या आपको मैंने कुछ भी गलत कहा तो आप मेरे को कमेंट करके बेझिझक बोल सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करना भाई, और अपने साथ फैमिली से इस नॉलेजेबल वीडियो और मेरे और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 1, आपने घोड़े के अलग अलग स्टैचू तो देखे ही होंगे। कुछ घोड़े के हवा में पैर होते हैं और कुछ के ज़मीन पर नॉर्मली होते हैं, पर ये ऐसा ही नहीं बिना सोचे ही नहीं होता, इसका भी एक गहरा रीज़न है। अगर कोई हॉर्स यानी कि घोड़ा वॉर में लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके स्टैचू के पैर होते हैं वो हवा में होते हैं। लेकिन कोई घोड़े की नॉर्मली डेथ होती है तब उसकी नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैचू बनता है एक वॉरियर के साथ। इस फोटो में अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़े की डेथ लड़ाई में हुई थी, और इस इमेज में जो आप देख रहे हो महाराणा प्रताप की, इस इमेज में महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेतक था
उसकी भी डेथ वॉर के हुई थी, वॉर में हुई थी, जो कि बहुत पावरफुल घोड़ा था महाराणा प्रताप का, इसलिए उसका जो पैर है वो हवा में है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी भी बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना भाई, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियोस बनाने का मन करता है जब आप एक ज़रा सा लाइक कर देते हो। और कमेंट सेक्शन में जो मैंने बोला, अब जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करना, और इस नॉलेजबल वीडियोज़ को अपने सब फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियोज़ आप मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।